आज हम बात करेंगे आजरबैजान बाकू में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाने के हवाले से, इसका तरीका कार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अकबर साहब। सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज आप हमें बताएंगे आजरबैजान बाकू में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाने का तरीका कार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। जी कलीमुल्ला, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाने का तरीका कार और इसके लिए इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात यह है कि इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि बाकू आज़रबैजान में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाने की वजूहात क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा चुना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ग्रेजुएट लोग मौजूद हैं, मास्टर लोग मौजूद हैं और टीचर्स की बहुत ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में। जी सर। और बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि बाहर कोई बिजनेस किया जाए, कोई सेटअप बनाया जाए। ऐसा ही सर। तो हम इस हवाले से गाइड करना चाहते हैं कि डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, जिस भी कंट्री में इंटरनेशनल टूरिज्म ग्रो करता है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्कोप है, पोटेंशियल है, वो भी बढ़ता है। जैसे आप इंडोनेशिया की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं और थाईलैंड की बात करते हैं, या कहीं भी जिस भी मुल्क में चले जाएं जहां पर टूरिज्म ग्रो करेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो पिछले 3 साल से बाकू आज़रबैजान में भी टूरिज्म का बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। अब जब टूरिज्म ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को भी इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो है काम करने वाले लोगों को भी इंग्लिश आनी चाहिए, और यहाँ पर होटल या हॉस्टल में जितने भी लोग हैं या स्टाफ है उनको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये सारी जो है, फिर इसके अलावा टूर गाइड जो होते हैं उनको इंग्लिश आनी चाहिए। यानी कि जो सर्विस सेक्टर जितना भी आ जाता है, लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीनिंग है, सफाई करने वाले हैं, ये जितना भी स्टाफ है, सबको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बहुत। क्योंकि जब फॉरनर आएगा, अब जापनीज आएगा, कोरियन आएगा या यूरोपियन आएगा या चाइनीज आएगा या कहीं से भी, या मिडल ईस्ट से कोई अरब लोग ही आएंगे, अरबिक पीपल आएंगे, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना है। जी। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल हो गया। अब इसका तरीकाकार क्या है कि आप सबसे पहले बाकू में एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसकी एक तो मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, दूसरा आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ भी उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं आपकी। तो दोनों जगह पर रजिस्टर्ड होने के बाद आप कुछ तो स्टाफ बाहर से भी हायर कर सकते हैं और बहुत सा स्टाफ आप बाकू आज़रबैजान से भी हायर कर सकते हैं। यहाँ पर वेल ट्रेंड टीचर मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है बाकू की, वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल का इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमा या डिग्री ली हुई है। जी सर। तो वो आसानी से आपको अवेलेबल होते हैं। तो आप पहले कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, और मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस से, और उसके साथ साथ आप उनका स्टाफ हायर करेंगे एक अच्छी लोकेशन या किसी अच्छे बिजनेस सेंटर में, जहाँ पर मेट्रो की एक्सेस है, जहाँ पर आसानी से लोग आ जा सकते हैं। जी। वहाँ पर आप जगह रेंट आउट करते हैं, ठीक है, 2, 3 या 4 कमरे, जितना आपका बड़ा पोटेंशियल है या इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो रेंट आउट प्लेस है वो तकरीबन $500 से शुरू होकर $800 या $1000 तक चला जाएगा, डिपेंड करता है आप कितने कमरों का बनाना चाहते हैं और किस लोकेशन पर बनाना चाहते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं $5000 से $8000 के दरमियान अगर आपके पास है, तो आप आसानी से ये सारा प्रोसेस, तीनों चीज़ें करके आप अपना लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। जी सर। यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको ऑफिस का रेंट दिया जाएगा और आपका स्टाफ हायरिंग हो जाएगा, और आप उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करें, एडवर्टाइज करें और ऑनवर्ड जो है लोकल आपके पास आना शुरू हो जाएगी। जी सर। सर जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो क्या आज़री लोग भी इंग्लिश सीखने का शौक रखते हैं? जी बिल्कुल। अब क्योंकि जो आज़रबैजानी लोग टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग होटलों के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग टूर गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं, जो लोग किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर रहे हैं, तो अब ये सब की मजबूरी बनती जा रही है। जैसे जैसे टूरिज्म ग्रो हो रहा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है, तो जो लोग इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उन सबको लैंग्वेज सीखना पड़ रही है।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत से लोग जो है इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जी सर। जी जी सर, क्या इंग्लिश टीचर्स आज़रबैजान बाकू में अवेलेबल हैं? जी, आज़रबैजान बाकू में जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस जो है यहाँ पर 4 साल की डिग्री एक होती है लैंग्वेज की, वो रशियन लैंग्वेज में कोई करता है, कोई इंग्लिश में करता है, कोई डिफरेंट और लैंग्वेजेस में करता है, तो वो स्पेशली एज ए लैंग्वेज टीचर ही जाना जाता है। तो जो ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या जो टीचिंग करते हैं उनके पास ये 4 साल डिग्री होती है, तो आपको यहाँ से आसानी से टीचर अवेलेबल होते हैं और बहुत कम सैलरी, जैसे आप कह सकते हैं $300 से $400 तक आपको मंथली जो है वो आसानी से टीचर अवेलेबल है। जी सर। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप फॉरनर टीचर पाकिस्तान से ले आते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल कंसिडर होता है और फॉरनर को देखकर लोग और ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, लोग तरजीह देंगे आपको और आपके पास सीखना चाहेंगे। जी सर। सर, क्या यहाँ पे आइल्टस और टोफल पढ़ाया जाता है? जी जी यहाँ पर आइल्स और टोफल वो भी करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, जैसे यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा स्टडी के लिए जाते हैं, तो जैसे आइल्स में दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एक तो आइल्स एकेडमिक है स्टूडेंट्स के लिए और एक आइल्स है जनरल ट्रेनिंग जो इमिग्रेशन के लिए, तो दोनों जगह पर इसकी डिमांड है। यहाँ पर आइस भी करवाया जा रहा है, टॉफल भी करवाया जा रहा है और उसमें अच्छा खासा पैसा है और यहाँ पर अच्छा खासा जो है उसकी फीसें चार्ज होती हैं। जी सर। सर, यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीस, स्टूडेंट फीस जो हायर करेंगे वो आज़रियों से, जी वो जी कम से कम कितनी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, इस हवाले से थोड़ा। जी जी जो जो फीस यहाँ पर चार्ज की जाती है, कम से कम आप ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते में, ये डिपेंड करता है, 3 दिन का क्लासेस होती हैं या नॉर्मल जो स्ट्रक्चर ये है कि 1 week 3 days क्लासेस, उसमें क्या होता है कि 1 घंटे की क्लास होती है। जी सर। और हर हफ्ते में 3 दिन होती है तो महीने में 12 क्लासेस होती हैं, तो उसकी एवरेज जो फीस है कम से कम वो 50 मनात होती है और 50 से शुरू होकर 80 मनात तक या 100 मनात तक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आ गया आपका 50 मनात, आपने 12 डेज का लिया है, ये मिनिमम फीस है ग्रुप के अंदर, लेकिन अगर इंडिविजुअल आप करवा रहे होते हैं तो आप 100 मनात से शुरू करते हैं मिनिमम और 150 मनात तक जाता है मैक्सिमम। तो इसी तरह से अगर क्लासेस बढ़ जाएंगी, यानी 12 क्लासेस इतनी है, तो अगर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से पैसे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये हफ्ते में, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में 5 दिन हफ्ते में पढ़ाया जाता है या 6 दिन पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर जो 80% अकेडमीज में, ट्रेनिंग सेंटर में 6 days a week क्लासेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 days a week पढ़ाते हैं, इसलिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, स्कोप है कि टीचर हजरात यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी सर। सर, बाकू में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर का क्या स्कोप है? जी, बाकू में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए जो है बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इस वक्त अभी अनसेचुरेशन है, हमारे पाकिस्तानी भाई जो प्रोफेशनल है इस फील्ड के अंदर, जो टीचर हजरात हैं या जो इस बिज़नेस में है, तालीम के बिज़नेस में, एजुकेशन बिज़नेस में है, उनको इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए कि बाकू में टूरिज़्म ग्रो कर रहा है, जब टूरिज़्म ग्रो कर रहा है तो यहाँ के लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, अब इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का पोटेंशियल भी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, छोटी इन्वेस्टमेंट से एक छोटा सा सेटअप बनाकर शुरू करना चाहिए और इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, आप 2-3 टीचर पाकिस्तान से लाएं, 4-5 यहाँ से रखें और आसानी से आप जो है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एज ए प्रोफेशनल आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में और ज़्यादा पोटेंशियल ग्रो करने वाला है। जी सर। सर, हमारे ये तो हो गया ना हाजरियों के आज़रबैजान बाकू में क्या स्कोप है, तो हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं खास तौर पे, उनके लिए यहाँ पे क्या स्कोप है इस बिज़नेस में? जी, इसमें बिल्कुल जैसे कलीमला मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी भाई जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ साथ वो वहाँ से टीचर्स जो लेकर आएंगे। ठीक है, ये सारा जो है इसमें वो उन्हीं के लिए स्कोप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आज़रबैजानी तो एज ए स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं। जी सर। जो टीचर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, पैसा तो उन्होंने कमाना है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। अल्लाह हाफिज़।